स्वयंचालित शक्ति जिसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सूक्ष्म तरह से अपने पीठ के रीढ़ के हड्डी के अंदर मज्जारज्जु में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मेडुला ब्लॉन्गेटा में स्थित है। मैंने आपसे बताया था कि ये तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं जिनसे हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलती है, स्वयंचालित संस्था चलती है। वो दो शक्तियां जो कि लेफ्ट में और राइट में हैं, एक का नाम ईड़ा और दूसरी का पिंगला है, और जो बीच में है उसका नाम सुषुम्ना है। ये तीन नाड़ियां और इन तीन नाड़ियों पे जो तीन शक्तियां हैं उनका नाम, जो लेफ्ट में है उसका महाकाली, जो राइट में है उसका महासरस्वती, और जो बीच में है उसका महालक्ष्मी। महाकाली शक्ति से हमारी स्थिति और लय होती है, महासरस्वती से हमारी शरीर धारणा तथा पूरा हमारा विचार का कार्य, आगे की जो कुछ तजवीज है, जो कुछ भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, कार्यान्वित होते हैं, जो कुछ हमारी सृजन शक्ति है, क्रिएटिव कैपेसिटीज है, वो सब उसे प्रदर्शित होती है, मैनिफेस्ट होती है। और जो बीच की शक्ति है जिसे कि हम महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं, जिसको इस बंबई शहर में बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, इस महालक्ष्मी की शक्ति से ही हमारा इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांति होती है। आज अमीबा से जो आज मनुष्य की दशा में हम आए हैं, ये इसी शक्ति के कारण, इस शक्ति के कारण हम अपने अंदर धारणा करते हैं। धारणा माने सस्टेन करना। हर एक वस्तु मात्र में जो धारणाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि कार्बन में चार वैलेंसीज हैं, हर एक वस्तु मात्र में जो उसकी प्रकृति है या उसकी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इसी शक्ति के द्वारा आती है। और मनुष्य में भी जो धर्म धारणा होती है वो भी इसी कारण होती है। मनुष्य का भी अपना कुछ धर्म जरूर अवश्य है ही, नहीं तो वो मनुष्य क्यों कहलाएगा। उसके 10 धर्म हैं जिसके बारे में आप साधारण तरह से ये कह सकते हैं कि बाइबल में जिसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं वही वो 10 धर्म है। इन 10 धर्मों के अनेक और सूक्ष्म स्वरूप हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में आदिकाल से अनेक ऋषि मुनियों ने पता लगाकर उस पर काफी कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग तीनों चक्रों का वर्णन करते हुए जब नाभि चक्र पे आए तो मैंने कहा था कि लक्ष्मी जी का धर्म से बहुत नजदीक संबंध है, क्योंकि हमारे पेट में धर्म होगा। धर्म विचार में नहीं होता है, जो मनुष्य विचार से धर्म करता है वो धार्मिक नहीं। धर्म विचार से नहीं होता है, अपने पेट में। जैसे एक साधारण आपसे मैं बात बताऊं कि अगर कोई वास्तविक धार्मिक आदमी हो, मैंने जिसे रियलाइज सोल कहना चाहिए, मैं धार्मिक उसे नहीं मानती जो बड़ा पट्टा वट्टा लगा के घूमते हैं, लेकिन अंदर से जो टूटा हुआ आदमी है, जो कि परमात्मा से एकाकार हो चुका है, जो असल मायने में योगी है, जो रियलाइज सोल है, वो आदमी अगर किसी ऐसे आदमी के घर में गया हो जिसने कि मर्डर किया है, लोगों को परेशान किया है, उस आदमी के घर में खाना खाते उसे उल्टी होने शुरू हो जाए, वो बर्दाश्त होता, वो किसी भी नग्न स्त्री को देख नहीं पाएगा, उसको देखते ही साथ उसके अंदर से उल्टी आ जाएगी, उसका पेट उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे कि वो किसी किसी के घर का खाना ही नहीं खा सकते, उनके घर में जाते होंगे तो उनको उल्टी ही आती होगी। इसका कारण कोई बता नहीं सकता, इसका सीधा कारण यह है कि आपका धर्म उस धर्म से मेल नहीं खा रहा जो उस घर में। बहुत सारी बातें इस प्रकार आपने अपने जीवन में भी अनुभव की होगी जिसका उत्तर आपने पाया नहीं होगा। जब हमारा धर्म शिथिल हो जाता है या जब मनुष्य का धर्म गिरने लग जाता है, इस वक्त उसके धर्म की हानि होने लग जाती है, धीरे धीरे वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है जिंदगी के साथ। जब उसका कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है। जैसे ही वो कमजोर हो जाता है, कभी कभी उस पर कुछ पिशाच भी आ जाते हैं, कभी कभी वही स्वयं एक पिशाच हो जाता है। मनुष्य जब धर्म से गिर जाता है तो वो राक्षस योनि में ही उतर सकता है, क्योंकि जानवरों की योनि में तो अब वो जा नहीं सकता और देवताओं की योनि में जा नहीं सकता। तो जब वो मनुष्य होकर के और अपने धर्म से च्युत हो जाता है तब वो कहाँ जाएगा, उसको राक्षस योनि में ही जाना पड़ता है या उसे नर्क की गति में जाना पड़ता है। अब नर्क है या नहीं, इसकी कोई सिद्धता है कि नहीं, इसका प्रूफ क्या है, साइंटिफिकली माताजी दिखाइए, सो बात हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपको मैंने आज भी सवेरे दिखाया है और कल भी दिखाया है कुंडलिनी का स्पंदन, जिसे आप देख सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप देख सकते हैं अपने आंख से, हालांकि अभी तक आप पार नहीं हुए, और जो लोग पार हो गए हैं उन्होंने भी उस शांति को अनुभव कर लिया जिसकी मैं बात कर रही हूं, उस निर्विचारिता की
जहाँ मनुष्य साइलेंट हो जाता है, अंदर सब विचार उसके रुक जाते हैं और वो साक्षी होकर के देखने लग जाता है ये घटना घटित होती है। इसका कौन सा साइंटिफिक प्रूफ देख सकते हैं जो कि आप ही के अंदर घटित होती है। समझ लीजिए कोई अच्छा सुंदर आप संगीत सुन रहे हैं और आप कहें इसका आनंद आ रहा है, इसकी साइंटिफिक कोई वो दीजिए तो कैसे देंगे। आप हो जाते हैं, आपके अंदर ये घटना हो जाती है और आपके अंदर से ठंडी ठंडी सी लहरें चलने लगती है। ये कल आप में से बहुत लोगों को हुआ और उन्होंने इसका अनुभव भी लिया और बहुतों को उसका फायदा भी हुआ होगा और आगे भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों ने गहराई से इस बात को पकड़ा और आगे चले हैं वो आज कहां से कहां पहुंच गए। संसार में रहते ही हुए वो कितने ही ऋषि मुनियों से ऊंचे हो गए हैं और कितने ही लोगों को वो पार भी करें और कितने ही को वो ठीक भी करें। कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे यहाँ एक साधारण स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने कितने लोगों का कैंसर ठीक किया और बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, हालांकि वो बहुत ही साधारण एक शिक्षक है, बहुत पहुंच गए हैं और कुंडलिनी शास्त्र में एकदम उसके बिल्कुल समझ लीजिए कि बड़े समझदार, इतना उनमें ज्ञान आ गया है कुंडलिनी शास्त्र पे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इंसान के अंदर इतना ज्ञान कहां से आ गया। अभी तक तो आपने कुछ जाना ही नहीं, जब जानना शुरू हो जाता है तो प्रगाढ़ ज्ञान जितना भी है सब अंदर से बहना शुरू होता है, क्योंकि पहले शक्ति आनी चाहिए जानने की। जिसमें जानने की शक्ति नहीं, अगर आपके अंदर सुनने की शक्ति नहीं तो आप क्या समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूं। आपके अंदर अगर देखने की शक्ति नहीं तो आप क्या देख पाएंगे जो मैं दिखा रही हूं। इसलिए पहले वो सूक्ष्मतर आपकी चेतना हुए बगैर ये कार्य हो नहीं सकता। कल एक साहब आए थे, वो मुझसे कहने लगे कि मेरे भाई की तबीयत एक आपके शिष्य है वो ठीक नहीं कर पाए और हमें कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो तुम यहाँ किस सिलसिले में आए। अगर तुम्हारे भाई को मैं ठीक करूं तो तुम मेरे पर श्रद्धा रखो, ये अच्छी जबरदस्ती। मैंने कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लिया, आपका क्या मेरे ऊपर अधिकार है कि मुझसे आप कहें कि मैं आपके भाई को ठीक करूं। आप इतने अधिकार से मुझसे कह रहे हैं कि मेरी कुंडलिनी आप जागृत कर दीजिए, तो आखिर कोई अधिकार क्या चीज का है। आपका अधिकार यही है कि आपने मुझे मां माना, आपने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, नहीं तो आपसे तो मुझे कुछ लेने का है ही नहीं, ना आप कुछ मुझे दे सकते। लेकिन अगर आपके अंदर जरा भी श्रद्धा नहीं तो आप ही सोचिए ये जो सारे देवता बैठे हुए चक्रों पे हैं, ये क्या इस बात को मान्य कर लेंगे कि आपका कोई भी विश्वास मुझ पर ना हो, कोई भी विश्वास इन देवताओं पे नहीं हो, भगवान पे कोई विश्वास नहीं हो, सबको आप सुबह शाम गालियां दे रहे हैं और वो क्या आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगे। अरे एक साधारण अधिकारी कोई होता है तो उसका इतना प्रोटोकॉल होता है, तो उस परमात्मा का कितना प्रोटोकॉल होगा। हम लोग कितने अहंकारी हो गए हैं कि हम सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए और हमें बिल्कुल ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं, हम बड़े लाट साहब हैं तो बैठे रहिए। ऐसे लोगों को जागृति होना बहुत कठिन है, मैं पहले ही बता दूं। जरूरी है कि आप श्रद्धा से आए। श्रद्धा किसानों में बहुत होती है। मैं राहुरी गई थी, मुझे आश्चर्य हुआ, हजारों आदमी आए थे, 5-5, 6-6 हजार के क्राउड्स में खड़ा खड़ लोग पार हो रहे थे। कह रही कैसी ये धरती माँ के पुत्र है, कितने जल्दी ये पा रहे हैं। थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, कुछ रईस लोग भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही अनपढ़ लोग थे, कुछ अनपढ़ भी थे, लेकिन सब लोग पार बहुत जल्दी होते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है, कहले माँ हमें तुम्हारे पर बड़ी श्रद्धा हो गई। तो हमने कहा क्यों श्रद्धा हुई, कहले हमको है ही, हम खेती वाले लोग हैं, हम बगैर श्रद्धा के खेती कैसे करें, खेती तो हो ही नहीं सकती बगैर श्रद्धा के। सही बात है, श्रद्धा के बगैर खेती नहीं हो सकती। मनुष्य जब सोचता है कि जमीन किस तरह से एक बीज है उसको उगाती है, अपने आप उसमें से इतने फल देती है और कुछ नहीं चाहती कि हम उसे दें, उसको देख करके मनुष्य जरूर आश्चर्यचकित होता है और देखता है कि कितना बड़ा मिराकल है, कितना बड़ा आश्चर्य है। और हम लोग यहाँ पर बाजार में जाके खरीदते हैं तो हमें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हमको लगता ही नहीं है कि ये कोई विशेष बात हो, ये कोई मिराकल। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना एक सहज बात, अत्यंत सहज है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, सोचिए आज हम अमीबा से भी इंसान हुए हैं तो अपने बूते पर नहीं हुए हैं, परमात्मा ने ही अनेक बार संसार में अवतार लेकर के, उन्होंने 10 अवतार संसार में लिए थे और उन 10 अवतारों में से उन्होंने हर अवतार में अत्यंत मेहनत करके और आप लोगों को आज इस दशा में ला के छोड़ा। ये बात सही ये है या नहीं, इसको तो हम बाद में साक्षात कराएंगे। हमने आपसे कल ही कहा था कि एज अ साइंटिस्ट आप अपनी सिर्फ बुद्धि खुली रखें, उसके बाद हर एक चीज का साक्षात आपको हम करा सकते। ऐसे परम शक्तिमान परमात्मा के सामने हमको नतमस्तक होकर आना चाहिए। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से भी ऊंचा समझता है वो बैठा रहे, पर एक माने में है
मनुष्य को परमात्मा ने अपने से ऊंचा बनाया। ये बात सही है एक माने में, जहां परमात्मा भी हार जाता है और हम भी हार जाते हैं। वो है कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी, आपको अपनी उत्क्रांति इवोल्यूशन मनुष्यता के लेवल पे आने पर, इस प्लेन पर आने पर स्वतंत्रता से ही ढूंढनी पड़ेगी।